देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हरियाणा में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। मजदूर अब अपने अपने घर में जनपदों को लौट रहे हैं। यूपी के शामली जिले में हरियाणा सीमा बॉर्डर पर फंसे मजदूरों का आना शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने मजदूरों के संकट के मुद्दे पर बातचीत की है। अब हरियाणा रोडवेज बसों के लिए मजदूरों और शामली भेजा जा रहा है। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा रोडवेज पर बस इन्हें लाकर अपने शहरों को यूपी सरकार लाना शुरू कर दिया है। मजदूरों के यूपी में एंट्री होने के बाद यूपी के बाद हरियाणा से आए हुए मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। हरियाणा से मजदूर पहले शामली आए हैं, यहीं से यूपी रोडवेज के जरिए अलग अलग जिलों में इन मजदूरों को भेजा जाएगा। यूपी बॉर्डर पर मजदूरों का पहले हेल्थ चेकअप किया गया है, फिर यूपी में एंट्री दी गई है। शामली से ही मजदूरों को यूपी के अलग अलग जिलों में बसों के जरिए मजदूरों को भेजा जा रहा है। मजदूरों को गृह जनपद पहुंचने के बाद आइसोलेट में रखा जाएगा, उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड भी पूरा करना पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद कहा है कि एक योजना तैयार की जाए जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की चेकिंग और टेस्टिंग करने की योजना बने और फिर प्रदेश की सीमा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके जिलों तक अपनी बसों के माध्यम से पहुंचाएगी। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच अलग अलग राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। ये प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं और मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं।